हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम देखेंगे एमसीएक्स, जैसे एलुमिनियम, लीड, जिंक, निकेल, कॉपर। तो यहां पे आप कहां पे बाय कर सकते हैं और कौन सा रेंज में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये पहले एलुमिनियम, तो एलुमिनियम एक रेंज में चल रहा है। ये जैसे 4 आवर चार्ट आप देख सकते हैं, एक रेंज में चल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो हायर पॉइंट है, यहाँ से मार्केट फ्यूचर नीचे आ सकता है। अगर आपने सेल लिया तो इसका ऊपर जैसे 1350 का ऊपर आप बाय जा सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 137, और अगर सेल लिया तो मार्केट नेक्स्ट टारगेट जैसे पहले हायर पर 127 तक ले सकता है। ये हो गया एलुमिनियम। और आप अगर देखेंगे तो लीड में, लीड मैंने ये डेली चार्ट लिया क्योंकि लीड कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सपोर्टिंग लाइन दिया हुआ है, जैसे कनेक्ट करके यहाँ पे सपोर्ट था पहले, राइट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा हुआ था। एग्जैक्टली यहाँ पे आया और डेली ये लोअर लो बना के आ रहा था। तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट करना चाहिए, राइट। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका ऊपर में बाय ही लेना चाहिए क्योंकि ये सपोर्टिंग लेवल है। तो अगर आप देखेंगे तो जिंक एक रेंज में चल रहा है, जैसे जिंक आप ट्राइंगल शेप फॉर्म हो रहा है, राइट, ये ट्राइंगल शेप फॉर्म हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से फिर मार्केट जिंक जो ऊपर मैंने जो रेजिस्टेंस लाइन डाला था, राइट, तो यहाँ तक जा सकता है, जैसे 199 का आसपास जिंक जा सकता है। तो अगर आप कॉपर देखेंगे तो कॉपर एक पैरेलल जोन में आ रहा है, पैरेलल जो रेंज होता है तो उसमें आ रहा है, जिसे आप देख सकता है। तो कॉपर एक रेंज में आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये हीट हुआ तो फ्यूचर मार्केट नीचे आने का शुरू हो गया। तो नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है ये 438 तक आ सकता है। और हम देखेंगे निकेल, और निकेल मैंने ये 4 आवर चार्ट लिया, तो 4 आवर चार्ट में आप देख सकते हैं निकेल एक रेंज में आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये अभी नया रेंज फॉर्म हुआ है, जैसे ये, तो यहाँ से एक सपोर्टिंग बना 200 मूविंग एवरेज से, तो फ्यूचर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो जैसे 197 तक जिंक आ सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।